अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद। सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आप बिहार मदरसा बोर्ड से फोकानिया मौलवी आलिम फाजिल पास आए तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। पटना हाई कोर्ट में जॉब 550 सीटों पर बहाली होने वाली है। पटना हाई कोर्ट में ये बहाली क्या है, आपको इसका फॉर्म किस तरह से भरना है और लास्ट डेट कब तक है, उम्र की एज कितनी होनी चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। देखिए, पटना हाई कोर्ट में स्टैंड के 550 ओहदों के लिए फॉर्म 7 मार्च तक, लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की जो लास्ट तारीख है वो 7 मार्च तक है। तो अगर आप बिहार मदरसा बोर्ड से सिर्फ़ और सिर्फ फोकानिया मौलवी आलिम फाजिल पास हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। देखिए, पटना प्रेस, पटना हाई कोर्ट की तरफ से स्टैंड ग्रुप बी 550 ओहदों पर बहाली के लिए इश्तहार शाये हुआ है। किसी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से किसी भी शोबे में ग्रेजुएशन पास हैं, अगर आपने किसी भी बिहार बोर्ड से हो या फिर बिहार मदरसा बोर्ड से हो, सीबीएसई पैटर्न से, आपने किसी से भी आपने सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेजुएशन किया तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। पास और तस्लीम शुदा इदारा से कंप्यूटर अप्लीकेशन में कम से कम 6 माह के कोर्स का डिप्लोमा सर्टिफिकेट वाले उम्मीदवार दरख्वास्त फॉर्म भरने के अहल हैं। अगर आपने कंप्यूटर का 6 महीने का किसी भी कोर्स किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये बातें इम्तियाज़ अहमद करीमी ने अहलियत रखने वाले नौजवानों को उनके मफाद में बताएं। जनाब करीम ने मज़ीद बताया कि मज़कूरा ओहदों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म भरने का अमल 6 फरवरी 2023 से जारी है और उम्मीदवार 7 मार्च 2023 तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, 6 फरवरी से ये फॉर्म भरना शुरू हो गया है और जो इसका जो लास्ट डेट है तो 7 मार्च तक है। तो अगर आप बिहार मदरसा बोर्ड से फोकानिया मौलवी आलिम फाजिल पास हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें, इम्तियाज़ अहमद करीमी साहब का कहना है। अहल और ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस, देखिए वेबसाइट, देखिए पटना हाई कोर्ट .gov.in पे आप जाकर यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं कि वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। इन ओहदों पर बहाली के लिए उम्मीदवारों की उम्र की जो हद होनी चाहिए, कम से कम आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 ईयर होना चाहिए से 37 साल के दरमियान मुकर्रर, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 37 साल होना चाहिए। EWS खातून के लिए 40 साल, और जो EWS उनके लिए 40 साल है। BC EBC मर्द ख़वातीन के लिए भी 40 साल, और SC ST उम्मीदवारों के लिए उम्र की जो हद है 42 साल मुकर्रर है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है 42 साल है। इम्तियाज़ अहमद करीमी ने कहा है कि अहल उम्मीदवार ज़रूर फॉर्म भरें, दिलो जान से मेहनत करें, मेहनत से कामयाबी मिलती है, इंशाअल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे, दुआएं और नेक तमन्ना आपके साथ है। देखिए, इम्तियाज़ अहमद करीमी साहब का कहना है कि अगर आपने किसी भी शोबा से अगर आपने ग्रेजुएशन किया या फिर अगर आपने बिहार मदरसा बोर्ड से सिर्फ़ और सिर्फ आलिम फाजिल फोकानिया और मौलवी पास किया है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। 6 तारीख से ये फॉर्म भरा जा रहा है, 6 फरवरी से, और लास्ट डेट जो है 7 मार्च तक है। तो अगर अभी आपके पास फॉर्म डेट है, आप ज़रूर इस फॉर्म को भरें। आप खुद मोबाइल से भर सकते हैं, देखिए ये है वेबसाइट, आप इस वेबसाइट से आप खुद से भी फॉर्म को भर सकते हैं या फिर आप साइबर कैफ़े में जाकर वहां से भी फॉर्म को भरवा सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूंगा। तो ये आज की वीडियो, तो जो बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो बनाकर लाता रहता हूँ आपके लिए। तो ये आज की वीडियो, अस्सलामुअलैकुम।